उत्तराखंड में मकर संक्रांति के पर्व पर कड़ाके की सर्दी के बावजूद हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं मकर संक्रांति पर गंगा स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी दौरान सीओ सिटी जूही मनराल ने कहा कि पौड़ी समेत सभी घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टरों में बांटा गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे उसके लिए ट्रैफिक डायवर्जन प्लान भी लागू किए गए हैं। पुरोहित मनोज त्रिपाठी ने कहा कि मकर संक्रांति पर गंगा स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य करने से कई यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। क्रांति का अर्थ है कि सूर्य का संक्रमण मकर राशि में प्रवेश करेंगे रात को अर्धरात्रि मध्य रात्रि में करीबन 2 बजे के लगभग का, तो 14 की रात से और 15 के मध्य में जब प्रवेश करेंगे, जो इसके लिए पुण्य काल है वो सुबह 9:15 बजे तक प्राप्त हो रहा है। तो उससे पूर्व 9:15 बजे से प्रातः स्नान करें, मौन रहकर स्नान करें। स्नान के पश्चात अपने पुरोहित को या ब्राह्मण को या ध्याने को खिचड़ी, तिल वाली मिठाई, गरम कंबल, वस्त्र आदि का दान करें, छाते का दान करें और अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। ऐसा कहा जाता है कि जितने तिल आपकी दी हुई मिठाई के अंदर लगे हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक आपको स्वर्गीय सुख का आनंद मिलता है। और जो व्यक्ति मौन रहकर स्नान करने के पश्चात ऐसे दान करता है और पितरों के लिए तर्पण करता है। क्रांति का स्नान पर्व है और उसकी व्यवस्था हेतु पूरे क्षेत्र को 7 जोन्स और 17 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। जोन में एक एक पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी जोनल ऑफिसर हैं और सेक्टर्स में सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स हमारे तैनात किए गए हैं। लोगों से क्या कहेंगे किस तरह से स्नान करें, हम करेंगे? अपील हमारी लोगों से यही है कि क्योंकि शीत लहर भी इस समय चल रही है, सर्दी काफ़ी है, तो सभी लोग स्नान अवश्य करें और जल्दी से स्नान करके अपने अपने घरों की तरफ बढ़ जाएं, क्योंकि शीत लहर है, सर्दियां बहुत हैं।